हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको क्लास 4th साइंस का चैप्टर नंबर 1 हमारा भोजन, इसका अभ्यास प्रश्न हम आपको बताएंगे। और सबसे पहले बच्चों, कॉपी पे जब भी हम लिखना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम कॉपी पे डेट डालते हैं और उसके बाद चैप्टर नंबर और चैप्टर का नाम, फिर हम अपना अभ्यास प्रश्न लिखना स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पौधों से प्राप्त होने वाले किन्हीं चार भोज्य पदार्थों के नाम लिखिए। क्वेश्चन में है कि पौधों से किन्हीं चार भोज्य पदार्थों के नाम हमें लिखने हैं जो पौधों से प्राप्त होते हैं। इसका आंसर है, पौधों से प्राप्त होने वाले किन्हीं चार भोज्य पदार्थों के नाम निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है अनाज, सेकंड है दालें, थर्ड है सब्जियां और फोर्थ है फल। तो ये हैं हमारे चार भोज्य पदार्थ जो कि हमें पेड़ पौधों से मिलते हैं। अनाज जैसे हो गया गेहूँ, मक्का, धान, तो ये सारी चीज़ें जो हैं अनाज हैं। दालें हैं जिसमें मटर की दाल, अरहर की दाल, उड़द की दाल, मसूर की दाल, मूंग की दाल, तो ऐसी कई सारी दालें हैं जो हमें पेड़ पौधों से मिलती हैं। फिर है सब्जियाँ, बैंगन, तरोई, टमाटर, लौकी, कद्दू, जितने भी हैं, आलू, प्याज, लहसुन, ये सारी सब्जियां जो है वो भी हमें पौधों से मिलती हैं। फिर है फल, फल भी हमें पेड़ पौधों से ही मिलते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ये चार चीज़ें जो हमें पौधों से प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, जंतुओं से प्राप्त होने वाले किन्हीं चार भोज्य पदार्थों के नाम लिखिए। जंतुओं से प्राप्त होने वाले, आंसर है इसका, जंतुओं से प्राप्त होने वाले किन्हीं चार भोज्य पदार्थों के नाम निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है अंडा, सेकंड है दूध, थर्ड है मांस, फोर्थ है मछली। तो ये तो था पौधों से प्राप्त होने वाले किन्हीं चार भोज्य पदार्थों के नाम, और ये है जंतुओं से प्राप्त होने वाले किन्हीं चार भोज्य पदार्थों के नाम। तो जंतुओं से हमें कौन कौन से भोज्य पदार्थ मिलते हैं, जिसमें अंडा हो गया, दूध हो गया, मांस हो गया, मछली हो गया। अंडा मुर्गी देती है, बत्तख का भी अंडा खाने में प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है मुर्गी और बत्तख अंडा देती हैं, गाय, भैंस, बकरी, ये सब दूध देती हैं, तो इनसे हमें दूध मिलता है। मांस, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मुर्गा और बकरा, इन सब चीज़ों का मांस लोग खाते हैं। मछली है, मछली भी खाने में उपयोग होती है। तो ये ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला है रिक्त स्थान, मतलब ये सेंटेंस हमारा है, इसमें जो खाली जगह है जहाँ पे आपको रेड पेन से दिख रहा है, ये जगह खाली होगी आपके बुक में, तो इसको हमें भरना है। ये है, भोजन से हमें मिलती है, क्या मिलती है, ऊर्जा, जैसा कि हमने यहाँ पे भरा हुआ है, तो भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट है, भोजन के रूप में जिन्हें हम खाते हैं वे क्या कहलाते हैं, वे पदार्थ भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। जिन्हें हम भोजन के रूप में खाते हैं वे भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट है, भोजन के प्रमुख स्रोत और हैं कौन कौन है। भोजन के प्रमुख स्रोत पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं। अभी जैसे हमने पहले 2 क्वेश्चन में आपको बताया, तो पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों ही भोजन के प्रमुख स्रोत हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाएं। इसमें पहला है हमारा, अनाज, दालें व सब्जियां पौधे से प्राप्त होती हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है, अनाज, दालें और सब्जियां हमें पौधों से ही प्राप्त होती हैं, तो ये सेंटेंस हमारा सही है, यहाँ पर हमने सही का टिक किया। ओके, नेक्स्ट है, गेहूं की बुआई ग्रीष्म ऋतु में करते हैं। तो ये हमारा सेंटेंस रॉन्ग है, गलत है, क्योंकि गेहूं की बुआई ग्रीष्म ऋतु में नहीं बल्कि शीत ऋतु में की जाती है।
ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस गलत है, इसलिए यहाँ पे गलत का निशान लगा है। नेक्स्ट है, स्वस्थ रहने के लिए संतुलित भोजन करना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही है, ये सेंटेंस हमारा सही है कि स्वस्थ रहने के लिए हमें संतुलित भोजन ही करना चाहिए, असंतुलित भोजन लोगों को बीमार बना देता है। तो ये सेंटेंस हमारा सही है, इसलिए यहाँ पर हम सही का टिक करेंगे। ओके, उम्मीद है बच्चों कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा, उसके क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।